भारत देश दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्र पूरी दुनिया के विच चर्चा छिड़दी है। भारत दे विच कोई भी फैसला हुंदा लोकतंत्री तरीके दे नाल हुंदा। लोकां नूं आजादी आदि गल कहण दी, आदि गल बोलण दी, गल सुनाण दी। पर पिछले कुछ समय तो इस लोकतंत्र दा जिहड़ा घाण लगातार किया जा रहा है। कोई भी सरकार फैसला लेंदी है तां उसके खिलाफ जे कोई जाण दी कोशिश करदा है, कोई उसकी निखेधी करन दी कोशिश करदा है, तां सरकार उसते केस पा दिंदी है, उसनूं चुप करा दिंदी है, उसनूं देशद्रोही दा इकरार दे दिंदी है। वो वार वार ये कहते आ रहे थे कि इस दे उत्ते चर्चा होनी चाहिए है, किसानों का पक्ष सुनिया जाना चाहिए है। मेनका गांधी लगातार ट्वीट से ट्वीट कर रहे थे कि इस मामले की जिहड़ी जांच होनी चाहिए है, कि जे कोई उसके खिलाफ बोलता है, चाहे कोई उसका अपना विधायक होवे, तां उसके नाल वो मूँह फेर लेंदी है। नैशनल कार्यकारी कमेटी उस दे विचों बाहर कढ दिता है। जिंदाबाद चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं मनप्रीत तौलख। भारत देश दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्री देश, सब तो वड्डा लोकतंत्र पूरी दुनिया के विच चर्चा छिड़दी है कि भारत दे विच कोई भी फैसला हुंदा लोकतंत्री तरीके दे नाल हुंदा। लोकतंत्र तरीके नाल लोकां नूं आजादी आदि गल कहण दी, आदि गल बोलण दी, गल सुनाण दी। पर पिछले कुछ समय तो इस लोकतंत्र का जिहड़ा घाण लगातार किया जा रहा है, सत्ता दे वल्लों, सत्ताधीश दे वल्लों, जां जिहड़ी सरकार साडे उत्ते राज कर रही है इस समय, भारत सरकार, मोदी सरकार लोकतंत्र का जिहड़ा घाण करती आ रही है। जदों भी कोई मसला उठता है, कोई भी सरकार फैसला लेंदी है, तां उसके खिलाफ जे कोई जाण दी कोशिश करदा है, कोई उसकी निखेधी करन दी कोशिश करदा है, तां सरकार उसते केस पा दिंदी है, उसनूं चुप करा दिंदी है, उसनूं देशद्रोही दा इकरार दे दिंदी है। वो कह दिंदी है जे तुसीं सरकार दे किसी भी फैसले की निखेधी करोगे, उसका विरोध करोगे, तां तुसीं देशद्रोही हो, तुसीं अत्तवादी हो, तुसीं खालिस्तानी हो, तुसीं पाकिस्तान चले जाओ जे तुहानूं भारत तो कोई प्रॉब्लम है। इहो जे जिहड़े आ इल्ज़ाम लगा दिते जांदे है उहनां लोकां दे उत्ते जो सरकार दे किसी भी फैसले का विरोध करते हैं। हुण होया की है, वरुण गांधी जो कि बीजेपी दे विधायक ने, पार्लियामेंट विधायक ने यूपी दे, तो पिछले कई समय तो जो कृषि कानून नवे आए सी, खेती कानून नवे आए सीगे, जिन्हां नूं असीं काले कानून कहने आ, साडे किसान उसका विरोध कर रहे ने लगातार, तो बीजेपी दे विधायक इस कानूनां दा जिहड़ा विरोध कर रहे सीगे, वो वार वार ये कहते आ रहे थे कि इस दे उत्ते चर्चा होनी चाहिए है, किसानों का पक्ष सुनिया जाना चाहिए है, किसानों का जिहड़ा मसला वो हल होना चाहिए है। पर उसकी गल नूं गोलिया नहीं सी जा रहा, उसके बाबत उसनू जिहड़ा पिछे धकेलिया जा रहा सी। हुण लखीमपुर दे विच जो घटना वापरी, यूपी दे विच किसानां दा जिहड़ा कतलकांड होया, कतलेआम होया, किसानां नूं शहीद कीता गया, तां उत्थे वरुण गांधी अते उहनां दी माता जी मेनका गांधी लगातार ट्वीट ते ट्वीट कर रहे सी कि इस मामले की जिहड़ी जांच होनी चाहीदी है, इस दा सरकार नूं जवाबदेह होना चाहीदा है, इस दा इंसाफ मिलना चाहीदा किसानां नूं। पर होया कि उस विधायक दी, अपने विधायक दी गल सुनन दी बजाए, मनन दी बजाए, उसनू अपनी नैशनल जिहड़ी कार्यकारी कमेटी हुंदी है उस दे विच ही बाहर कढ दित्ता। ए है बीजेपी दी तानाशाही सरकार, कि जे कोई उसके खिलाफ बोलता है, चाहे कोई उसका अपना विधायक होवे, तां उसके नाल वो मूँह फेर लेंदी है, उसनू अपनी कमेटियां दे विच्चों बाहर कढ देंदी है। ये बीजेपी सरकार दी जिहड़ी तानाशाही है, पूरे भारत देश दे विच असीं लगातार देख रहे हैं कि तानाशाही जिहड़ा हुक्म है वो साडे उत्ते थोपिया जांदा है, साडे उत्ते जिहड़ी लोकतंत्री घाण वो कीता जांदा है। तो वरुण गांधी अते मेनका गांधी जो किसानां दे हक दे विच शहीद होए, किसानां दे हक विच जो लगातार ट्वीट कर रहे सी, अपनी गल रख रहे सी, उन्हां नूं जो कार्यकारी कमेटी हुंदी है, नैशनल कार्यकारी कमेटी, उस दे विचों बाहर कढ दित्ता है। दस्सिया यही जा रहा कि यही कारण है कि
कि उन्होंने बाहर कढ़ दिता क्योंकि वह लगातार किसानों की हिमायत कर रहे थे। किसानों शहीद करने वाले दोषियों सज़ा दवाउण की जिहड़ी गल उठा रहे थे, आदि मंग रख रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे। हालांकि वह बीजेपी के विधायक ने पीलीभीत जो लखीमपुर के नेड़ला इलाका है उत्थों आउंदे ने वरुण गांधी, तो वह लगातार जेडे उत्थों दे अजय मिश्रा जो कि उत्थों दे केंद्रीय राज मंत्री ने उन्होंने उत्ते जो सवाल चक रहे थे कि इस दे उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है, दोषियों को कार्रवाई करनी चाहिए, उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है, पर उन्होंने गल तक की मननी सी सरकार ने आ काम करता। असी लगातार पिछले कई सालों तो देखते दे आ रहे हैं कि जिहड़ा मोदी है वह हिटलर वांगू काम कर रहा है, देशों विदेशों के विच इसकी गल छिड़दी है। मोदी नू हिटलर दे नाल तानाशाह दे नाल जिहड़ा जोड़ के वो देखा जाता, उन्होंने कंपेयर किया जाता है, वर्ल्ड लैवल ते सरकार दी थू थू होई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये आपदे जिहड़े माड़े कम्मां तो गुरेज नहीं करती। जे कोई बोलता है उसके खिलाफ तो उसनू इस तरीके चुप करा दिता जाता है, उसनू उहदे अहुदेयां तो हटा दिता जाता है। जे कोई पत्रकार बोलता है तो उहदे उत्ते देशद्रोही का जिहड़ा परचा दर्ज कर दिंदा है। जे कोई आम लोग स्टूडेंट बोलते हैं तो उन्होंने सलाखों के पिछे सिट दिता जाता है। इहो जी जिहड़ी सरकार है साडे भारत देश की, पर इसका जवाब जरूर देना पएगा मोदी सरकार नूं, योगी सरकार नूं, हुण उसदे विधायकों वल्लों ही जिहड़ा उसका विरोध किया जा रहा है बीजेपी का। तो इस तो साफ सिद्ध हुंदा है कि हुण बीजेपी का जिहड़ा अंत समय आ चुकिया है, हुण बीजेपी के जिहड़े पापां का घड़ा वो भर चुकिया है, मोदी दे योगी दे पापां का घड़ा भर चुकिया है। तो आने वाले समय के सरकार भारत दे विच नहीं टिकेगी, इसका जिहड़ा शासन है वो समराज है वो थले आ डिगेगा, क्योंकि इस तरह के विरोध हुण लगातार हुंदे रहणगे। बाकी जिवें भी कोई खबर आउंदी है जिंदाबाद चैनल तुहाडे नाल शेयर करदा रहेगा, उन्ना चिर जुड़े रहो जिंदाबाद चैनल दे नाल। मैं मनप्रीत तौलख।